पहली रिसर्च जो मुझे आपको बतानी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा अहम भी है और सबक आमूज भी है। एक 12 साल का बच्चा है जी अर्जेंटीना में, और उसने एक स्कूल खोला है। बहुत छोटा सा बच्चा है और उसने अपने आसपास के हालातों वाक़यात को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। ये एक गरीब सा इलाका है, एक बहुत नॉर्मल लोग यहाँ पर रहते हैं, और इस बच्चे ने सोचा कि बहुत सारे बच्चे, उसके दोस्त, उसके आसपास जो लोग हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। तो इस बच्चे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वो ना सिर्फ स्कूल में पढ़ता है बल्कि उसके बाद ख़ुद भी स्कूल में पढ़ाता है, और ये ख़ुद इस बच्चे ने स्कूल बनाया है, मुफ्त तालीम फराहम करता है ये दूसरे बच्चों को, और बहुत सारे बड़े लोग भी यहाँ पर आते हैं इस बच्चे से तालीम हासिल करने के लिए। और हमने देखा है बाज़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में मुश्किल से पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है, एक स्टेप लिया है 12 साल के बच्चे ने। और आपको बताएं कि एक साल कबल उसने अपनी दादी से कहा कि वो अपने घर के गोशे में स्कूल खोलना चाहता है। उनकी मदद से उसने स्कूल खोला और धीरे धीरे वहाँ बच्चे जमा होना शुरू हो गए। इस वक्त इस छोटे से स्कूल में, कमरे नुमा स्कूल में 40 बच्चे हैं जो ज़ेरे तालीम हैं, और उस्ताद और प्रिंसिपल भी ये ख़ुद ही 12 साल का बच्चा है जी इस स्कूल का। इसके अलावा अब पड़ोस के लोग भी आना शुरू हो गए हैं। स्कूल इस बच्चे का रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है। वहाँ पर लाइब्रेरी, डेस्क और लॉकर रूम भी आ गए हैं, और स्कूल में साउंड सिस्टम भी लगाया गया है जहाँ रोज़ाना अर्जेंटीना का कौमी तराना पढ़ा जाता है। और इस बच्चे की ख्वाहिश है कि कोई भी बच्चा पीछा ना रहे बल्कि हालात के मुताबिक आगे बढ़ता जाए, तालीम हासिल करे। और एक बहुत ही हैरानकुन बात है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या क्या सोच लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा होगा जो इसने ये सोचा कि उसके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं जो कि तालीम हासिल नहीं कर रहे या फिर वो स्कूल जाना चाहते हैं। तो उन महरूमियों को पहचानते हुए इस बच्चे ने एक गोशे में स्कूल खोला अपने घर के, और अब ये बच्चों को तालीम फराहम करता है, और यकीनी तौर पर बच्चों की जो माँ बाप हैं उनकी भी दुआएं लेता होगा। और बच्चा जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है, और इस बच्चे ने ये जो कदम उठाया है, ये जो इनिशिएटिव लिया है, यकीनी तौर पर बहुत सारे और बड़े लोगों को भी इससे सबक मिलेगा।